और सीधे राजस्थान चलेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं। श्री रमेश सिंह जी, महंत बलबीर दास जी, सभी पूज्य संतजन और भरतपुर के लोकसभा क्षेत्र के बेर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको राम राम सा। देवनाथ भगवान की इस पावन धरा को नमन करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ाने वाले महाराज सूरजमल की स्मृतियों को भी मैं नमन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। हम लोग कितने समृद्ध विरासत के उत्तराधिकारी हैं। महाराज सूरजमल ने औरंगजेब के छक्के छुड़ाते हुए उसके लाल किले में भूसा भरवाने का काम करवा दिया था। मुगल सेना उनके सामने नाक रगड़ने के लिए मजबूर हो गई थी। बहनों और भाइयों, और समृद्ध और पराक्रमी परंपरा का जो वारिस है, वह किसी विभाजनकारी राजनीति को कभी भी प्रश्रय नहीं दे सकता, विभाजित नहीं हो सकता। और ये नए भारत का जो हम दर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, एक तरफ महाराजा सूरजमल की समृद्ध विरासत और दूसरी तरफ स्वतंत्र भारत में आपने देखा होगा कि पहली बार किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सम्मान दिया है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। बहनों भाइयों, ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है चौधरी साहब के द्वारा किसानों के लिए, गरीबों के लिए, अपने कार्यकाल के दौरान जो कार्य किया गया उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम सब आज नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज किस कदर दुनिया की एक ताकत बन रहा है, ग्लोबल पावर के रूप में भारत की अपनी एक पहचान बन रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने दो दिन पहले, तीन दिन पहले इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की अगर उस रिपोर्ट को पढ़े होते, द गार्डियन एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है ब्रिटेन का, और उसमें उसने एक बात कही, उसने कहा पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आते